गाइस कैसे हैं सब। मैं हूँ इकरा, आप देख रहे हैं इकरा चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन टिक्का बारबेक्यू रेसिपी बर्गर। तब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टिक्का बर्गर के लिए हमें सबसे पहले बर्गर चाहिए और उसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चाहिए बॉयल हुआ, उसे हम निचो निचो करेंगे। उसके बाद हमें ये मसाले चाहिए और अदरक लहसुन का पेस्ट एंड अनियन और दो तीन एग और थोड़े से नींबू और मायो सॉस। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद ये मसाले, उसके बाद लेमन जूस। इसके अंदर हमें फूड कलर भी ऐड करना है और माया सॉस। फूड कलर के साथ बहुत प्यारा सा रंग आ गया और उसके अंदर हमने माया सॉस ऐड करेंगे जो कि क्रीमी क्रीमी बन जाएगी। अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे, 5 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे। हो चुके हैं, हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। चिकन है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। फ्राई भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार से लग रहा है फ्राई होकर। उसके अंदर हम बटर ऐड करके और उसके ऊपर अपने पन रख देंगे। हमने तवे के ऊपर से बर्गर उतारे थे, फिर हम इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे बर्गर के ऊपर। फिर उसके ऊपर हम चिकन ऐड कर देंगे, फिर हम इसके ऊपर केचप ऐड कर देंगे, फिर इसके ऊपर अनियन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अंडा रख देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे, फिर उसे बंद कर देंगे। फिर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो बर्गर है वो बेक हो अभी हो चुके हैं और डिश आउट हो चुके हैं। इतने मज़ेदार से बर्गर लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये सबसे मुख्तलिफ रेसिपी है चिकन टिक्का। अब मैं आप लोगों को काट के दिखाती हूँ। बर्गर हमारे तैयार हो चुका है, अब हम इसे काटेंगे। ये देखिए बहुत मज़ेदार से, बहुत ज़बरदस्त से, टेस्टी से रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले।